देश भर के कृषि मंत्रियों का सेमिनार उत्तराखंड में हुआ था, जहां मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी पहुंचे। कमल पटेल ने सेमिनार में मिलेट अनाज पर पीएम मोदी के विजन को लेकर कई तर्क रखे, जिसकी तारीफ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने भाषणों में की है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कृषि मंत्रियों के सेमिनार में कहा कि दुनिया में सबसे पहले श्री अन्न की खेती भारत में हुई थी, इसलिए भारत को श्री अन्न का जनक माना जाता है। कृषि मंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में मोटे अनाजों की खेती होती है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इन आदिवासी जिलों के किसानों को अच्छी किस्म के बीज देने का फैसला किया है, जिससे उनका उत्पादन बढ़ेगा और जो उत्पादन होगा उसकी पैकेजिंग से लेकर निर्यात करने तक की जिम्मेदारी सरकार की होगी। और ये अवसर है हमारे लिए कोरोना के बाद कि ये जो श्री अन्न है ये हमारे देश में सबसे ज्यादा है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, मध्य प्रदेश में डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, शहडोल ऐसे आदिवासी एरिया हैं जहां ये होते हैं कोदो, कुटकी, सावा, रागी, ज्वार, बाजरा। इसको हम प्रोडक्ट प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में और ग्वालियर में यहाँ के वैज्ञानिकों ने अच्छे अच्छे ये श्री अन्न के नए बीज विकसित किए हैं, वो बीज हम दे रहे हैं। कल ही कैबिनेट की बैठक थी, हमने एक मिलेट मिशन बनाया, उसमें 80% ये उन्नत किस्म के बीज हम उन आदिवासी और किसानों को देंगे, जिसपे 80% सब्सिडी होगी, जिससे उनका उत्पादन बढ़ेगा और जो उत्पादन करेंगे उसकी हम प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और निर्यात करने की व्यवस्था भी करेंगे स्व सहायता समूह के माध्यम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कृषि मंत्री कमल पटेल और मध्य प्रदेश सरकार की राज्य मिलेट मिशन योजना की तारीफ की। साथ ही उन्होंने मिलेट अनाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की भी सराहना की। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और जिन्होंने बहुत विस्तार से पूरा विजन आदरणीय मोदी जी का और देश का हम सबके सामने रखा, और मैं कहूं कि ये हमारे बहुत पुराने, हम लोग लगभग करीब 20-25 साल से एक दूसरे से परिचित हैं, आज उत्तराखंड की भूमि में आए हैं, हम सबके मित्र भी हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।